रामपुर से भी मुजफ्फरनगर के लिए प्रदेश संगठन मंत्री भानु गुट के सलीम पाशा ने भी रुख कर दिया है। सलीम पाशा ने कहा कि हूटर को लेकर जो भानु गुट के किसानों को थाने के अंदर हिरासत में लिया है और गाड़ियों को जब्त कर लिया है, इसी को लेकर सभी भानु गुट के पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग मुजफ्फरनगर की तरफ रुख कर रहे हैं। वहाँ पहुँचेंगे, अभी मैंने भी सब लोगों को फोन कर दिया, कुछ बाहर आ गए कुछ आने वाले हैं, सब लोगों को लेकर निकल रहा हूँ मैं मुजफ्फरनगर के लिए। जो भी मामला होगा वहाँ जाकर देखा जाएगा, अगर धरना प्रदर्शन की बात होगी तो वो भी किया जाएगा। दरअसल मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को हूटर बजाना भारी पड़ गया। जी हाँ, पुलिस ने जिलाध्यक्ष तमीत पांच को हिरासत में ले लिया। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के नेताओं को थाना परिसर के बाहर हूटर बजाना भारी पड़ गया। भानु के नेताओं द्वारा थाना परिसर के बाहर गाड़ियों के हूटर बजाने पर सीओ सदर भड़क गए। उन्होंने तीन गाड़ियों को कब्जे में लेकर उनके स्वामी और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भानु जिलाध्यक्ष समेत करीब पाँच लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल भानु गुट के जिलाध्यक्ष बलराम ठाकुर और शमशाद अहमद असलम शेख अमित कुमार समेत करीब 24 लोग 10-12 गाड़ियों के साथ किसी कार्य से पुरानकाजी थाने पर आए थे। इन्होंने थाने परिसर गाड़ियों के हूटर बजाने शुरू कर दिए। आवाज़ सुनकर थाने पर मौजूद सीओ सदर हेमंत कुमार भड़क गए। सीओ सदर ने थाने के बाहर आकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेताओं से नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस को होटल लगी गाड़ियों को कब्जे में लेने के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस ने तीन गाड़ियों को कब्जे में लेकर जिलाध्यक्ष समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। सीओ सदर ने प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए कि सड़क पर होटल लगी भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की जो भी गाड़ी मिलती है उसे कब्जे में लेकर कार्रवाई की जाए। यह है कि मुजफ्फरनगर में हमारे कुछ पदाधिकारी गुजर रहे थे, उनकी गाड़ियों पर होटल लगे थे, तो सीओ साहब ने वहाँ रोककर उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें सारा हिरासत में ले लिया। मैं उन सीओ साहब से पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी रंजिश उनकी भानु गुट से है जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक भानु गुट का नाम लिया। अगर उनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है तो वो उसको जाहिर करें। कुछ ही लोगों को उन्होंने रोक के सीधा सीधा क्यों कहा कि इन्हें बंद करो और हिरासत में लो और इनके भानु गुट के जो जहां पदाधिकारी मिले उसे बंद कर दिया जाए। सीओ साहब ऐसा क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर जहां तक होटल का सवाल है तो आज के दौर में होमगार्ड की गाड़ी में भी होटल लगा, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो, तो वो तो सब अनलीगल है। एक विधायक पैदा होता है, उसके घर में 400-500 उसके खानदान में होटल लगे होते हैं, आज तक किसी ने नहीं रोका। मैं यहाँ देखता हूँ, सामने बैठता हूँ, अगर दिन भर में 100 गाड़ी निकलती है तो कम से कम 60 में होटल लगे होते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो सारी गाड़ियों को रोका जाए। एक ही भानुकूट के पदाधिकारी क्यों रोका गया? ये कुछ व्यक्तिगत मामला है। किसान लोग इसलिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, उनके जो मामला है उसको देखेंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारी गाड़ियों को लोग क्यों रोका गया और हमारे पदाधिकारियों को क्यों रोका गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और मुकदमा कायम करने की बात हो रही है, ऐसा क्यों? सब पूरे हिंदुस्तान के सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचेंगे। अभी मैंने भी सब लोगों को फोन कर दिया, कुछ बाहर आ गए कुछ आने वाले हैं, सब लोगों को लेकर निकल रहा हूँ मैं मुजफ्फरनगर के लिए। जो भी मामला होगा वहाँ जाकर देखा जाएगा, अगर धरना प्रदर्शन की बात होगी तो वो भी किया जाएगा। कितने लोगों को हिरासत में लिया? यहाँ से कम से कम 100 आदमी तो हम साथ में जा रहे हैं, 5-7-8-10 गाड़ियां हैं, उसके बाद बाकी पीछे सबको फोन कर दिया, सारे लोग पीछे आएंगे और वो पुलिस को छोड़ना ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे उनको पुलिस बंद कर देगी बिना वजह, या तो कोई ऐसा अनलीगल उन्होंने काम किया हो कि जब उन्होंने कोई गलत काम कर दिया जिसके लिए उन्हें बंद करा जाएगा, तो क्यों रोका जाएगा? कितनी गाड़ियां निकल रही है रोड पर, कौन रोक रहा है उन्हें? भानुगुट की गाड़ी क्यों रोकी जा रही है?